ट्रक से टकराए 10 मरे. अरे गंगा जी में नाव डूबी 16 तरे. एक औरत के 3 बच्चे पैदा हो गए. अरे हमारे यहाँ एक नहीं पैदा हुआ, लोगों के 3-3 पैदा हो रहे हैं. अरे सुनो सुनो, हमारे शहर में ना परिवार नियोजन वाले आए हैं. तो हम क्या करें, हमारा तो एक भी बच्चा नहीं है, क्या नियोजन कराएं? अरे तुम उदास क्यों होते हो, हो जाएंगे. कहाँ से हो जाएंगे, इतने वैद हकीमों को चक्कर लगा लिए, इतने साधु बाबाओं के आशीर्वाद दे लिए, 5 साल हो गए एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ. देखो सुना है ये परिवार नियोजन वाले हैं ना, बच्चा पैदा करने के तरीके बताते हैं. तरीके नहीं बताते, बच्चा ना पैदा करने के तरीके बताते. ओफो, ये पैदा करने के तरीके बताते हैं और फिर ना पैदा करने के. चलो ना ट्राई करते हैं. अच्छा चलो ठीक है, ट्राई कर लेते. कम्बल कम आ जाओ, उतरो, लो पूरे दे दिए, 2 रुपए बाकी दे. संभल के. नमस्कार भाई साहब. नमस्ते जी. मैं एजेंट भाटिया, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त. आप यहाँ परिवार नियोजन के सिलसिले में आए ना? क्या है, मेरी बीवी जो है वो जरा. घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम कॉन्फिडेंशियल तरीके से होगा भाभी. अच्छा? भाई पब्लिक की सेवा करना तो हमारा फर्ज है. हमें तो कुछ भी नहीं पता है. अरे तो हम बताएंगे, हमारे बड़े डॉक्टर पटेल बताएंगे. क्या यही की परिवार नियोजन क्या है? ये एक नियोजित परिवार का नियोजित तरीका है कि भाई आबादी कैसे कम हो, बच्चे कैसे ना हो, उन्हें पैदा होने से कैसे रोका जाए, ये सब बताने का माध्यम है. लेकिन बच्चे कैसे होंगे? बताएंगे बताएंगे, हमारे शुक्ला सबको जवाब देंगे बारी बारी. ओके डॉक्टर शुक्ला. धन्यवाद. पूछिए पूछिए ना. तो सर बच्चे ना, उसका सरल तरीका क्या है? बच्चे मत करिए, इससे सरल उपाय कोई नहीं. मुक्त उपाय गोली के हम जोली गोली खाओ, कोपटी लगाओ, सो जाओ. जिससे तो सेहत खराब होती है, मोटापा बढ़ता है. कोई ऐसा रास्ता बताएं कि कुछ लगे भी ना, कुछ खाए भी ना और बच्चे भी ना हो. आपके घर में कौन कौन है? जी मैं और मेरी बीवी और मेरे माता पिता. खटिया कितनी है? जी दो, एक में मैं और मेरी बीवी सोते हैं, दूसरे में माता पिता है. बदल दो. खटिया नहीं, बीवी और माता जी को टुगेदर सुलाओ, तुम और पिताजी टुगेदर सो. नेक्स्ट. जी जी मैं हाँ बोलिए बोलिए. जी मेरा नाम मुसद्दीलाल निगम है और ये मेरी पत्नी है रूबी निगम. हम जानना चाह रहे थे कि बोलिए बोलिए ना. नहीं मुझे तो थोड़ी शर्म सी आ रही. तू पूछ ना. मैं पूछती हूँ, तुम पूछो. नहीं नहीं तुम पूछो ना. अरे मैं कैसे पूछूं? ओके ओके शर्माइए मत शर्माइए. कम ऑन बी फ्रैंक, कम ऑन पूछिए पूछिए. जी बात यह है कि ये जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं बच्चे, है ना शुक्ला? हम मन के बड़े सच्चे होते हैं. नहीं नहीं मगर कैसे होते हैं? कहा ना भगवान का रूप होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं. वो तो जब हो जाएंगे तब ना, लेकिन कैसे होंगे? मतलब आपके? जी मेरे. आपके बच्चे कैसे होंगे वो तो भाई आप बच्चा पैदा करेंगे तभी पता चलेगा ना कि वो कैसे है, काले हैं गोरे हैं. नहीं नहीं वो तो पैदा होने भी पता चलेगा, लेकिन पैदा कैसे होंगे? आपके? जी मेरे. भाई सॉरी ये जानकारी हमें नहीं है. क्या? हाँ मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई है अब तक. लेकिन बाहर तो बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिख रखा है कि बच्चे कैसे और ना पैदा हो, इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त करें. हाँ तो प्राप्त कीजिए. मेरा मतलब था कि हमारे बच्चे कैसे होंगे? ओ आपके? जी मेरे. ओ उसके लिए तो फॉर्म भरना पड़ेगा. अच्छा फॉर्म भरने से बच्चा पैदा हो जाएगा? फॉर्म भरने से बच्चे पैदा होते तो फिर हमारी उषा मैडम है ना, वो रोज के सैकड़ों फॉर्म्स भरती हैं, तो सोचिए कितने बच्चे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होते. नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था. सॉरी सॉरी मेरा मतलब ये था. ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. भाटिया भाटिया. जी सर. अरे भाई इन्हें बाहर ले जाकर फॉर्म भरवा दो. अच्छा 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 इनका करना है. मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो. आइए आइए आइए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे नहीं यार अच्छा नहीं लगता, तू अपनी सास को बोल देना ऑपरेशन करवा ले, हम फ्री कैंप लगाते हैं ना. फिर हम आए क्या? क्यों डरती है? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तू एक काम कर. अरे तू बोल ना. लेकिन नहीं नहीं अरे कुछ नहीं होता है, बस एक फॉर्म भरना पड़ता है, मैं करवा दूंगी, तू आ जा बस, मैं बोलती हूँ ना. अच्छा अच्छा ओके. हाँ हाँ ओके बाय. हाँ मैडम ये निगम फैमिली है, मसदीलाल निगम, इनका भी करना है. अच्छा अच्छा ये लीजिए फॉर्म. भैया तुम फॉर्म भरो, मैं 2-4 को और पटाखे लाता हूँ. ये मैडम लेकिन पक्का हो जाएगा ना? हम कोई कच्चा काम करते ही नहीं. तो बहुत जल्दी हमारे घर में खुशियाँ होंगी. बिल्कुल खुशियाँ होंगी, जब तुम खुश होगे अपना देश खुशहाल होगा. देश कब खुशहाल होगा? जब आबादी कम होगी.
हाँ वो तो है, बस दो बच्चे ही बहुत होते हैं, क्यों भगवान। तो ये फॉर्म में क्या भरना है? ओहो लाइए, मैं भरती हूँ। नाम बोलिए। ये मुसद्दीलाल निगम। उम्र? 45 बरस। शादी के साल? 5 साल। बच्चे? जी दो ही बहुत होते हैं। गुड। काम क्या करते हो? जी नौकरी करता हूँ। अच्छा, बीवी पे मरते हो? जी हाँ। घर में पानी भरते हो? जी हाँ। बीवी से डरते हो? आप ये सब सवाल क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है भाई, पेशेंट का मेंटल स्टेटस जानना भी तो जरूरी होता है ना। अच्छा अब आप बोलिए, आपका नाम? रूबी निगम। क्या करती हैं आप? घर पे पसरती है। अच्छा, दिन में कितनी बार चरती है? सारा दिन चरती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे साइन कर दीजिए दोनों के। यहाँ मतलब जो भी करा रहे हैं अपनी मर्जी से करा रहे हैं। नहीं, क्या करा रहे हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन क्यों? अरे तभी तो होगा ना। अच्छा ऑपरेशन से हो जाएगा? यही तो। देखा, वो पहले वाले डॉक्टर भी यही कहते थे ना कि ऑपरेशन करा लो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तुम साइन करो यहाँ पे। ऑपरेशन किसका होगा? किसका कराना है? अच्छा मतलब किसी का भी होने से हो जाएगा। हाँ। तो फिर इसका कर दीजिए। मेरा? नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं, यूं हो जाएगा। डर तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लगेगा जैसे चींटी ने काटा हो। ये लीजिए टोकन, पांडे जी बुलाएंगे तब जाना। तो ये ऑपरेशन यही होगा? हाँ यही होगा। एडमिट होना पड़ेगा? नहीं नहीं, 1 घंटे में वापस। अच्छा जी, थैंक यू। चलो चलो भगवान चलो। मैडम ये 11वां आदमी है। हाँ। इसकी भी नसबंदी करनी है। ठीक है। और वो जो यहाँ था उसका हो गया ना? हो गया। पांडे जी मुझे नसबंदी करवानी है। तो करवाओ। कहाँ से करवाऊँ? हो तो रही है। कहाँ हो रही है? आप अकेले नहीं है, जब से कंबल के साथ 2000 रुपए मिलने लगे और ऊँटी की यात्रा फ्री है तब से बहुत लोग कराते हैं। पांडे जी है? हाँ जी। जी हमें उषा जी ने भेजा है। पांडे जी करवा लो ना जल्दी। इतनी जल्दी क्या नसबंदी कराने की? अरे पांडे जी 2000 रुपए और कंबल का मामला है, अगर 10वां नंबर लगा तो उठी जाने का चांस है। नसबंदी कराओगे जरा से फायदे के लिए? अरे तो ना कराने से कौन सा फायदा है? कराई तो वंश कैसे चलेगा आगे? अरे पांडे जी यहाँ अपने जीने के वादे लगे हुए हैं, आप वंश चलाने की बात कर रहे हो। अरे करा दो ना प्लीज। 500 रुपए। क्या? जब चीजें हिसाब से करो तो फिर हिसाब से ही करो। दिया। किया? कहाँ किया? कहाँ दिया? कराओ तो पहले दो तो। अरे आपको विश्वास नहीं मुझ पर? अरे भैया हमने करवा दिया और बाद में पैसे देने से मुकर गए तो हम बाद में कैसे जोड़ेंगे? और हमने दे दिया और नहीं करवाए तो वो तो हमें मार के भी वसूल कर सकते हो। ओके ये लो 500 रुपए। पूरे हैं? गिन लो। तो फिर यहाँ बैठे क्या है? तो कहाँ जाऊँ? अंदर जाके लेटो। ओके चलो भाई जाओ, तुम जल्दी जाओ भाई। अरे पांडे जी मेरा क्या होगा? हो जाएगा, टोकन लीजिए। जी ले लीजिए टोकन। ओके बीवी का करवाना है? जी हाँ, बच्चा तो बीवी का ही होता है ना। तो ये फॉर्म भर दीजिए। अच्छा जी, ये फॉर्म में क्या है? कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है, अगर ऑपरेशन के दौरान मरमुरा गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। पर पांडे जी होता कुछ नहीं है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी है ये। तो फिर साइन क्यों करा रहे हैं? ऐसे ऐसे। ओके लाइक। नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। नहीं मगर ये तो फॉर्मेलिटी है ना, बता रहे हैं ना। क्यों पांडे? नहीं ये मर सकती है। क्या? मैं नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, नहीं मरेगी भाई। नहीं ये मर जाएगी। नहीं, अभी तो आपने कहा कि नहीं मरेगी, ये तो फॉर्मेलिटी है। तब आपने पांडे के आगे जी लगाया था। पांडे के आगे अगर जी न लगाओ तो पांडे जी खुद की बीवी को मार दे, ये तो आपकी बीवी है। सॉरी सॉरी पांडे जी सॉरी। ओके रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं मजाक कर रहा था। हाँ बस हम करा दें। कल आइए। कल? हाँ कल, आज बहुत भीड़ है। अरे भाई भीड़ कहाँ है, मुझे तो कोई हमारा अलावा दिखाई नहीं दे रहा। लोग बहुत आते हैं ऑपरेशन कराने से, शर्माते हैं ना, इसलिए चुपचाप आते हैं, चुपचाप करके निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक है। तो कल कितने बजे आए? 12 बजे आइए। 12 बजे जी। अच्छा आओ भगवान, इधर से आना जल्दी से। अच्छा हाँ हुई? नहीं कराएंगे जी। तो कराओ। बस कोई घबराने की बात ही नहीं है, जरा सा ऑपरेशन होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा और हमारा वंश आगे चलेगा। दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं बस इतना ही होगा जितना चींटी के काटने से होता है। लाओ इधर हाथ लाओ। ट्वी। बस इतना सा, ठीक है ना? हाँ ठीक। अरे ये पांडे जी कहाँ चले गए? अरे एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम। हाँ फॉर्म भर दो। जी वो तो भर दिया था। तो वहाँ भेज दो। नहीं भेज भी दिया था तो टोकन ले लो। वो भी ले लिया था तो
मेरे पास क्या लेने आए हो? तो पांडे जी अपनी जगह पर नहीं है, कहाँ चले गए? वो नहीं आए। क्यों? उनके यहाँ सातवां बच्चा हुआ है ना। क्या? यही तो। नहीं तो फिर हमारा ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन पांडे जी थोड़ी करेंगे, वो तो शुक्ला जी करेंगे। तो शुक्ला जी कहाँ मिलेंगे वो बता दीजिए। वो भी नहीं आए। आप बैठिए। अरे यार भाटिया, अगर तुम कस्टमर पकड़ के नहीं लाना तो तुम्हारी तो एजेंसी खत्म। नहीं नहीं सर, ऐसा मत बोले प्लीज। अरे क्या नहीं बोले यार, पागलों जैसी बात करते हो। अरे जितना नसबंदी का पैसा था पटेल खा गए, कंबल मैडम ओढ़ के बैठ गई, खाना तुम खाए तो नसबंदी कहाँ हुई है? पेपर पे। अरे फिर भी सरकार पूछेगी कि जिनके नसबंदी हुई है वो कहाँ है तो क्या है? पेपर पे। अरे पेपर कहाँ है? फाइल में। फाइल कहाँ है? चूहे खा गए। यही तो, सरकारी कार्यालय में कितने सारे चूहे हैं जो फाइलें खाते हैं, और वो भी वो फाइल जिनके रिकॉर्ड्स मिटाने हो। हम भी खिला देंगे। लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। यही तो, कोशिश तो कर रहे हैं ना, पर कोई आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें हम? आएंगे आएंगे, ढूंढो तो सही। शुक्ला जी आ गए। शुक्ला जी हाँ। आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दें, हम लोग बहुत मायूस हैं, बहुत मजबूर हैं। अगर आप इसका ऑपरेशन कर देंगे तो हम जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूल पाएंगे, हमारे घर में खुशियों के दिए जलेंगे। अरे तो मिठाई खिलाओगे? मैं तोल दूंगा आपको मिठाई में। शिवला जी पहले इनका कर दो यार। नहीं आपका करना। नहीं मेरा नहीं, मेरी पत्नी का करना है जी। ये आपको पत्नी है? जी हाँ। नहीं भाभी हाँ दीजिए, तो अभी करना पड़ेगा। तो कर दीजिए ऑपरेशन। हाँ बिल्कुल, एक मिनट। हेलो, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, ये ऑपरेशन तो पहले अरे भाई साहब अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर इनका कब होगा? कल आ जाना ना। लेकिन तब तक तो कल आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है कल ही आ जाते हैं हम लोग। चलो भाई आओ भगवान। भाई वाह पांडे जी वाह, ये सातवें बच्चे की खुशी में। आप भी लीजिए ना उषा जी। जी थैंक यू। भाई पांडे जी एक बात है, अब आप भी अपनी नसबंदी कराई लीजिए। मैंने तो कब के करवा रखी है। क्या बीबी के नहीं हुई ना? अच्छा कभी। एक्सक्यूज मी क्या है जी? ये शुक्ला जी ने कहा था जाने के लिए, उनका आज कब आता है? एक्सक्यूज मी जी, शुक्ला जी आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो छुट्टी पे हैं। क्यों? नसबंदी कराने गए। यही तो, कल उनके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी ना, 5 लाख कैश, 7 लाख के जेवर और 6 बच्चे पकड़े गए। तो जो आदमी परिवार नियोजन सिखाता है उसी के घर में 6 बच्चे, ऊपर से ऑर्डर आया पहले अपनी नसबंदी करो बाद में औरों की कराना। नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? आप कल आना। अरे कब तक कल कल करते रहेंगे, 4 दिनों से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, बाहर लिख के रखा हुआ है 1 घंटे में बच्चा पैदा होने का ऑपरेशन हो जाता है, 1.5 घंटे में बच्चा ना पैदा होने का ऑपरेशन हो जाता है। अरे भाई 4 दिन में वो 1 घंटा कब आएगा? टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है आपका, 1 घंटा कितने दिन का होता है? देखिए बहस मत कीजिए, ये सरकार घंटा है, दिन क्या साल का भी हो सकता है, समझे? अच्छा ठीक है, मैं आपके बड़े साहब से मिलूंगा। किससे? पटेल साहब से? हाँ। वो भी नहीं आए। और कब आएंगे? 1 घंटे में। अब वो 1 घंटा कब होगा? पटेल साहब के साथ ही आएगा वो 1 घंटा। हैं जी? हाँ टाइम तो लगता ही है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। प्लीज कर दीजिए, मैं आपको दावत दूंगा। यू मीन पार्टी? जी हाँ। थैंक सो मच, पहला आदमी देखा जो नसबंदी कराने के लिए पार्टी दे रहा है। नसबंदी कौन करा रहा है? आप करा रहे हैं ना नसबंदी अपनी बीवी की। क्या दिमाग ठीक है आपका, 5 साल से यहाँ पे बच्चा नहीं हुआ है, वैसे ही बंदी चल रही है, ऊपर से नसबंदी कराऊंगा मैं? क्या? हाँ। तो आप नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए नहीं आए? जी नहीं, नस खुली का ऑपरेशन कराने के लिए आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा वो आप पता चल गया, एनीवे पता चल गया है तो चलो फटाफट करा लेते हैं। तो ठीक है, इस ऑपरेशन के बाद मेरे घर पे खुशियाँ गूंजेंगी ना? हाँ डोंट वरी, जरूर खुशियाँ ही खुशियाँ गूंजेंगी। मेरी बीवी माँ बनेगी ना? अरे मैंने कईयों को माँ बना दिया है, आपकी बीवी को भी बना दूंगा मैं। है जी? हाँ चिंता मत कीजिए भाई, मुझ पर भरोसा रखिए, आइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? ऑपरेशन थिएटर में। नहीं तो मैं भी साथ चलता हूँ। क्यों भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन देखिए भाई साहब डॉक्टर पर भरोसा रखिए, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आप अपनी बीवी को मेरे साथ अंदर भेजेंगे या तो बाहर रखेंगे। बाहर रखना है तो रखो भाई, हमें क्या, अंदर भेजा तो 2 बातें होंगी, या तो ये माँ बन सकेगी या तो नहीं बन सकेगी। मेरे ऑपरेशन थिएटर में माँ नहीं बन सकेगी, ऐसा होता नहीं है, और बन सकी तो 2 बातें होंगी, या तो आप इन्हें अपने पास रखेंगे या तो इन्हें निकाल कर दूसरी शादी करेंगे। अपने पास रखा ऐसा मुझे लगता नहीं, और इन्हें निकाल कर दूसरी शादी की तो भाई फिर डरते क्यों हो? इन्हें निकालना ही है तो जाने दो ना मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर। डोंट वरी, ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट रूबी। ओके आप मिठाई बिठाई की तैयारियां कीजिए। तो मतलब ऑपरेशन के बाद बच्चा पैदा हो जाएगा ना? हाँ होना तो चाहिए। और अगर ना हुआ तो? तो आपका करा देंगे। है जी? I was just joking.
आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, आप मेरे साथ आइए। ओके, ऑल द बेस्ट रूबी। दर्द होगा? बस थोड़ा सा होगा, जैसे चींटी काटती है ना, उई, है ना डॉक्टर साहब? नहीं, चींटी नहीं, चींटा। क्या? कुछ नहीं होगा, बस जैसे चींटी काटती ना, इतने दर्द होगा। हाँ बैठो। मैडम, इनकी भी करानी है। कहाँ से लाए? अरे बड़ी मुश्किल से मिला है, पता नहीं ये कोटा कब पूरा होगा। जाता हूँ मैं। मुसद्दीलाल जी, मिठाई लेके आए हैं? जी हाँ, बस मेरे घर में खुशियाँ आने वाली है ना। अरे लाओ ना तो खिलाओ। नहीं नहीं, वो तो बीवी का ऑपरेशन चल रहा है ना अंदर, वो हो जाएगा उसके बाद। अरे ऑपरेशन तो हो ही जाएगा, पहला आदमी देखा जो ऑपरेशन करा के मिठाई खिला रहा है। नहीं, उसके बाद तो मैं पार्टी दूंगा। अच्छा पार्टी भी देंगे? कब? ये जब एक बार ऑपरेशन हो जाएगा फिर ऊटी जाएंगे ना हम लोग अपना पांचवा हनीमून मनाने के लिए। फिर उसके बाद अगर हमें पता चला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है तो उसके बाद फिर पार्टी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, पक्का होगा। नहीं डॉक्टर साहब कह रहे थे अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपना ऑपरेशन पहले क्यों नहीं करा लेते? नहीं वो तो डॉक्टर साहब कहेंगे उसके बाद होगा ना। नहीं, नहीं आपका 10वां नंबर है, ऊटी आने जाने का रिटर्न टिकट फ्री मिलेगा, वहाँ 2 रातें 3 दिन का स्टे फ्री मिलेगा। नहीं पर वो भरवर क्या, वहाँ रहने का हनीमून का पूरा इंतजाम हो जाएगा। नहीं मैं, अरे भाई आप समझेंगे, बीवी ऑपरेशन थिएटर से निकलेगी, आप उसको ऊटी का गिफ्ट देंगे, कितनी खुश होगी वो। देखिए डबल पर्पस हो जाएगा, अगर आपका फेल हुआ तो बीवी का काम आएगा, बीवी का फेल हुआ तो आपका काम आएगा, यानी कि 100% रिजल्ट्स। तो दर्द तो नहीं होगा ना? बिल्कुल उतना जितना चींटी के काटने पे होता है। पक्का? पक्का। पर मेरा ऑपरेशन करेगा कौन? हम और कौन, आप करेंगे? अरे ये है शुक्ला जी ऑपरेशन के स्टेथोस्कोप, 101 ऑपरेशन किए इन्होंने, सिर्फ 10 फेल हुए और बाकी के आदमी फेल हो गए हैं जी। अरे कुछ नहीं होगा, बस चींटी जितना काटेगी उतना दर्द होगा। पर सक्सेसफुल तो होगा ना? अरे कुछ नहीं होगा सक्सेसफुल, आइए तो जाऊं। अरे आइए तो। अच्छा आइए आइए, आहिस्ता आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ वो तो होगी ना, अभी बंद किया है ना। क्या बंद कर दिया? अरे कुछ नहीं, बस आप चलिए सब ठीक हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल तो था ना? 100% सक्सेसफुल है। अच्छा थैंक यू, मेरी बीवी कहाँ है? ये रही मेरे साथ खड़ी, आपका इंतजार कर रही है। कैसी हो रूबी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन? अरे भाई सक्सेसफुल हो गया। अच्छा अब ये माँ बन सकती है? इमीडिएटली बन सकेगी। अच्छा जी ये लीजिए कंबल, ये आपका ऊटी का रिटर्न टिकट जो आपने जीता है, ये 2000 रुपए खाना रखा गया। रूबी देखा ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, बस कल हम लोग ऊटी निकल चलेंगे, वहां जाके हनीमून मनाएंगे और बस फिर वापस आ जाएंगे और फिर पार्टी देंगे। हाँ जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला होगा 1 या 10 पार्टी दूंगा। बच्चा? हाँ। किसका? मेरा। पागल हो गए हो क्या, नसबंदी के बाद भी कभी बच्चा होता है? नहीं नसबंदी के बाद तो नहीं होता है, पर किसने कराई है नसबंदी? आपने? नहीं, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? अरे आप भी अभी तो करा के आए हैं ना? नहीं नहीं मैं तो बच्चा पैदा हो उसका ऑपरेशन करा के आया हूँ। कम ऑन भाई साहब, हम मर्दों को बच्चा नहीं पैदा होता। वो तो मुझे पता है, मेरे बीवी के हो इसलिए। हाँ वो तो होगा, अभी इसलिए तो उसका ऑपरेशन कराया है ताकि इसका बच्चा पैदा हो। और मेरा ऑपरेशन इसलिए कराया है कि आपके बच्चे पैदा ना हो। क्या गोरे हैं? नहीं नहीं वो तो पैदा होने भी पता चलेगा, लेकिन पैदा कैसे होंगे? आपके? जी मेरे। भाई सॉरी ये जानकारी हमें नहीं है। क्या? हाँ मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई है अब तक। लेकिन बाहर तो बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिख रखा है कि बच्चे कैसे और ना पैदा हो इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त करें। हाँ तो प्राप्त कीजिए। मेरा मतलब था कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। ओ आपके? जी मेरे। ओ उसके लिए तो फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा फॉर्म भरने से बच्चा पैदा हो जाएगा? फॉर्म भरने से बच्चे पैदा होते तो फिर हमारी उषा मैडम है ना, वो रोज के सैकड़ों फॉर्म्स भरती हैं, तो सोचिए कितने बच्चे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होते। नहीं 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 मेरा मतलब वो नहीं था, सॉरी सॉरी मेरा मतलब ये था। ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। भाटिया भाटिया। जी सर। अरे भाई इन्हें बाहर ले जाकर फॉर्म भरवा दो। अच्छा 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 इनका करना है। हाँ मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। आइए आइए आइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नहीं यार अच्छा नहीं लगता,
तू अपनी सास को बोल देना ऑपरेशन करवा ले, हम फ्री कैंप लगाते हैं ना। फिर हम आए क्या? क्यों डरती है? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तू एक काम कर। अरे तू बोल ना, लेकिन नहीं नहीं अरे कुछ नहीं होता है, बस एक फॉर्म भरना पड़ता है, मैं करवा दूंगी, तू आ जा बस, मैं बोलती हूँ ना। अच्छा अच्छा ओके, हाँ हाँ ओके बाय। हाँ मैडम ये निगम फैमिली है, मुसद्दीलाल निगम, इनका भी करना है। अच्छा अच्छा ये लीजिए फॉर्म। भैया तुम फॉर्म भरो, मैं दो चार को और पटाखे लाता हूँ। धन्य जी। ये मैडम लेकिन पक्का हो जाएगा ना? हम कोई कच्चा काम करते ही नहीं। मतलब बहुत जल्दी हमारे घर में खुशियाँ होंगी। बिल्कुल खुशियाँ होंगी, जब तुम खुश होगे अपना देश खुशहाल होगा। देश कब खुशहाल होगा? जब आबादी कम होगी। हाँ वो तो है, बस दो बच्चे ही बहुत होते हैं, क्यों भगवान। तो ये फॉर्म में क्या भरना है? ओहो लाइए मैं भरती हूँ, नाम बोलिए। ये मुसद्दीलाल निगम। उम्र? 45 बरस। शादी के साल? 5 साल। बच्चे? जी दो ही बहुत होते हैं। गुड। काम क्या करते हो? जी नौकरी करता हूँ। अच्छा बीवी पे मरते हो? जी हाँ। घर में पानी भरते हो? जी हाँ। बीवी से डरते हो? आप ये सब सवाल क्यों पूछ रही हैं? वो क्या है भाई, पेशेंट का मेंटल स्टेटस जानना भी तो जरूरी होता है ना। अच्छा अब आप बोलिए, आपका नाम? रूबी निगम। क्या करती हैं आप? घर पे पसरती है। अच्छा दिन में कितनी बार चरती है? सारा दिन चरती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे साइन कर दीजिए दोनों के। यहाँ मतलब जो भी करा रहे हैं अपनी मर्जी से करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन क्यों? अरे तभी तो होगा ना। अच्छा ऑपरेशन से हो जाएगा? यही तो। देखा वो पहले वाले डॉक्टर भी यही कहते थे ना कि ऑपरेशन करा लो हो जाएगा। अच्छा अच्छा तुम साइन करो यहाँ पे। ऑपरेशन किसका होगा? किसका कराना है? अच्छा मतलब किसी का भी होने से हो जाएगा? हाँ। तो फिर इसका कर दीजिए। मेरा ट्रक से टकराए 10 मरे, अरे गंगा जी में नाव डूबी 16 तरे, एक औरत के 3 बच्चे पैदा हो गए। अरे हमारे यहाँ एक नहीं पैदा हुआ, लोगों के 3-3 पैदा हो रहे हैं। अरे सुनो सुनो, हमारे शहर में ना परिवार नियोजन वाले आए हैं। तो हम क्या करें, हमारा तो एक भी बच्चा नहीं है, क्या नियोजन कराएं? अरे तुम उदास क्यों होते हो? हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, इतने वैद्य हकीमों को चक्कर लगा लिए, इतने साधु बाबाओं के आशीर्वाद दे लिए, 5 साल हो गए एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखो सुना है ये परिवार नियोजन वाले हैं ना, बच्चा पैदा करने के तरीके बताते हैं। तरीके नहीं बताते, बच्चा ना पैदा करने के तरीके बताते हैं। ओफो, ये पैदा करने के तरीके बताते हैं और फिर ना पैदा करने के, चलो ना ट्राई करते हैं। अच्छा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। कंबल कम आ जाओ, उतरो, लो पूरे दे दिया, 2 रुपए बाकी दे। संभल के। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। मैं एजेंट भाटिया, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज, केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त। आप यहाँ परिवार नियोजन के सिलसिले में आए ना? क्या है मेरी बीवी जो है वो जरा। घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम कॉन्फिडेंशियल तरीके से होगा भाभी। अच्छा? भाई पब्लिक की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। हमें तो कुछ भी नहीं पता है। अरे तो हम बताएंगे, हमारे बड़े डॉक्टर पटेल बताएंगे। क्या यही की परिवार नियोजन क्या है? ये एक नियोजित परिवार का नियोजित तरीका है कि भाई आबादी कैसे कम हो, बच्चे कैसे ना हो, उन्हें पैदा होने से कैसे रोका जाए, ये सब बताने का माध्यम है। लेकिन बच्चे कैसे होंगे? बताएंगे बताएंगे, हमारे शुक्ला सबको जवाब देंगे बारी बारी। ओके डॉक्टर शुक्ला। धन्यवाद। पूछिए पूछिए ना। तो सर बच्चे ना, उसका सरल तरीका क्या है? बच्चे मत करिए, इससे सरल उपाय कोई नहीं। उत्तम उपाय गोली के हम जोली, गोली खाओ, कोपटी लगाओ, सो जाओ, जिससे तो सेहत खराब होती है, मोटापा बढ़ता है। कोई ऐसा रास्ता बताएं कि कुछ लगे भी ना, कुछ खाए भी ना और बच्चे भी ना हो। आपके घर में कौन कौन है? जी मैं और मेरी बीवी और मेरे माता पिता। खटिया कितनी है? जी दो, एक में मैं और मेरी बीवी सोते हैं, दूसरे में माता पिता। बदल दो। खटिया? नहीं, बीवी और माता जी को टुगेदर सुलाओ, तुम और पिताजी टुगेदर सो। नेक्स्ट। जी जी मैं हाँ बोलिए बोलिए। जी मेरा नाम मुसद्दीलाल निगम है और ये मेरी पत्नी है रूबी निगम। हम जानना चाह रहे थे कि बोलिए बोलिए ना। नहीं मुझे तो थोड़ी शर्म सी आ रही। तू पूछ ना। मैं पूछती हूँ, तुम पूछो। नहीं नहीं तुम पूछो ना। अरे मैं कैसे पूछूं? ओके ओके शर्माइए मत शर्माइए, कम ऑन बी फ्रैंक, कम ऑन पूछिए पूछिए। जी बात यह है कि ये जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं?
बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं बच्चे, है ना शुक्ला? हम मन के बड़े सच्चे होते हैं। नहीं मगर कैसे होते हैं? कहा ना भगवान का रूप होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। वो तो जब हो जाएंगे तब ना, लेकिन कैसे होंगे? मतलब आपके? जी मेरे। आपके बच्चे कैसे होंगे वो तो भाई आप बच्चा पैदा करेंगे तभी पता चलेगा ना कि वो कैसे हैं, काले हैं। नहीं नहीं मुझे डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं, यूं हो जाएगा। डर तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लगेगा जैसे चींटी ने काटा हो। ये लीजिए टोकन, पांडे जी बुलाएंगे तब जाना। तो ये ऑपरेशन यही होगा? हाँ यही होगा। एडमिट होना पड़ेगा? नहीं नहीं एक घंटे में वापस। अच्छा जी थैंक यू, चलो चलो भगवान चलो। मैडम ये 11वां आदमी है, इसकी भी नसबंदी करनी है। ठीक है। और वो जो यहाँ था उसका हो गया ना? हो गया। पांडे जी मुझे नसबंदी करवानी है। तो करवाओ। कहाँ से करवाऊँ? हो तो रही है। कहाँ हो रही है? आप अकेले नहीं है, जब से कंबल के साथ 2000 रुपए मिलने लगे और ऊँटी की यात्रा फ्री है तब से बहुत लोग कराते हैं। पांडे जी हाँ जी जी हमें उषा जी ने भेजा है। पांडे जी करवा लो ना जल्दी। इतनी जल्दी क्या नसबंदी कराने की? अरे पांडे जी 2000 रुपए और कंबल का मामला है, अगर 10वां नंबर लगा तो उठी जाने का चांस है। नसबंदी कराओगे जरा से फायदे के लिए? अरे तो ना कराने से कौन सा फायदा है? कराई तो वंश कैसे चलेगा आगे? अरे पांडे जी यहाँ अपने जीने के वांदे लगे हुए हैं, आप वंश चलाने की बात कर रहे हो, अरे करा दो ना प्लीज। 500 रुपए। क्या? जब चीजें हिसाब से करो तो फिर हिसाब से ही करो। दिया। किया? कहाँ किया? कहाँ दिया? अरे कराओ तो पहले, दो तो। अरे आपको विश्वास नहीं मुझ पर? अरे भैया हमने करवा दिया और बाद में पैसे देने से मुकर गए तो हम बाद में कैसे जोड़ेंगे? और हमने दे दिया और नहीं करवाए तो वो तो हमें मार के भी वसूल कर सकते हो। ओके ये लो 500 रुपए पूरे हैं। गिन लो। तो फिर यहाँ बैठे क्या है? तो कहाँ जाओ? अंदर जाके लेटो। ओके चलो भाई जाओ, तुम जल्दी जाओ भाई। भाई पांडे जी मेरा क्या होगा? हो जाएगा, टोकन दीजिए। जी ले लीजिए टोकन। ओके बीवी का करवाना है? जी हाँ, बच्चा तो बीवी का ही होता है ना। तो ये फॉर्म भर दीजिए। अच्छा जी ये फॉर्म में क्या है? कुछ नहीं फॉर्मेलिटी है, अगर ऑपरेशन के दौरान मरमुरा गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। पर पांडे जी होता कुछ नहीं है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी है ये। तो फिर साइन क्यों करा रहे हैं? ऐसे ही। ऐसे ही? ओके लाइक। नहीं नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। नहीं मगर ये तो फॉर्मेलिटी है ना, बता रहे हैं ना। क्यों पांडे? नहीं ये मर सकती है। क्या? मैं नहीं करूंगी। अरे नहीं 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 मरेगी भाई। नहीं ये मर जाएगी। नहीं, अभी तो आपने कहा कि नहीं मरेगी, ये तो फॉर्मेलिटी है। तब आपने पांडे के आगे जी लगाया था, पांडे के आगे अगर जी न लगाओ तो पांडे जी खुद की बीवी को मार दे, ये तो आपकी बीवी है। सॉरी सॉरी पांडे जी सॉरी। ओके रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं मजाक कर रहा था। हाँ बस अब करा दे। कल आइए। कल? हाँ कल, आज बहुत भीड़ है। अरे भाई भीड़ कहाँ है, मुझे तो कोई हमारा अलावा दिखाई नहीं दे रहा। लोग बहुत आते हैं, ऑपरेशन कराने से शर्माते हैं ना, इसलिए चुपचाप आते हैं, चुपचाप करके निकल जाते हैं। अच्छा 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 ठीक है जी ठीक है। तो कल कितने बजे आए? 12 बजे आइए। 12 बजे जी। अच्छा आओ भगवान, इधर से आना जल्दी से। अच्छा हाँ हुई? नहीं कराऊंगी जी। तो कराओ। बस कोई घबराने की बात ही नहीं है, जरा सा ऑपरेशन होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा और हमारा वंश आगे चलेगा। दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं बस इतना ही होगा जितना चींटी के काटने से होता है। लाओ इधर हाथ लाओ। टुई। बस इतना सा, ठीक है ना? हाँ ठीक। अरे ये पांडे जी कहाँ चले गए? अरे एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम। हाँ फॉर्म भर दो। जी वो तो भर दिया था। तो वहाँ भेज दो। नहीं भेज भी दिया था। तो टोकन ले लो। वो भी ले लिया था। तो मेरे पास क्या लेने आए हो? वो पांडे जी अपनी जगह पर नहीं है, कहाँ चले गए? वो नहीं आए। क्यों? उनके 7वां बच्चा हुआ है ना। क्या? यही तो। नहीं तो फिर हमारा ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन पांडे जी थोड़ी करेंगे, वो तो शुक्ला जी करेंगे। तो शुक्ला जी कहाँ मिलेंगे वो बता दीजिए। वो भी नहीं आए। आप बैठिए। हाँ भाई बैठते। अरे यार भाटिया, अगर तुम कस्टमर पकड़ के नहीं लाना तो तुम्हारी तो एजेंसी खत्म। नहीं नहीं सर ऐसा मत बोलिए प्लीज। अरे क्या नहीं बोले यार, पागलों जैसी बात करते हो। अरे जितना नसबंदी का पैसा था पटेल खा गए, कंबल मैडम ओढ़ के बैठ गई, खाना तुम खाए तो नसबंदी कहाँ हुई है? पेपर पे। अरे फिर भी सरकार पूछेगी कि जिनके नसबंदी हुई है वो कहाँ है तो क्या है? पेपर पे। अरे पेपर कहाँ है? फाइल में। फाइल कहाँ है? चूहे खा गए। यही तो, सरकारी कार्यालय में कितने सारे चूहे हैं जो फाइलें खाते हैं, और वो भी वो फाइल जिनके रिकॉर्ड्स मिटाने।
खिलाने हो। हम भी खिला देंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। यही तो कोशिश तो कर रहे हैं ना, पर कोई आ ही नहीं रहा तो क्या करें हम? आएंगे आएंगे, ढूंढो तो सही। शुक्ला जी आ गए। शुक्ला जी हाँ। आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दें, हम लोग बहुत मायूस हैं, बहुत मजबूर हैं। अगर आप इसका ऑपरेशन कर देंगे तो हम जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूल पाएंगे, हमारे घर में खुशियों के दिए जलेंगे। अरे तो मिठाई खिलाओगे? मैं तोल दूंगा आपको मिठाई में। शिवला जी पहले इनका कर देगा। आपका करना? नहीं मेरा नहीं, मेरी पत्नी का करना है जी। ये आपको पत्नी है? जी हाँ। नहीं भाभी हाथ दीजिए, तो अभी करना पड़ेगा। तो कर दीजिए ऑपरेशन। हाँ बिल्कुल, एक मिनट। हेलो, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, ये ऑपरेशन तो पहले अरे भाई साहब अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर इनका कब होगा? कल आ जाना ना। लेकिन तब तक तो कल आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है कल ही आ जाते हैं हम लोग। चलो भाई आओ भगवान। भाई वाह पांडे जी वाह, ये साथ में बच्चे की खुशी में। आप भी लीजिए ना उषा जी। जी थैंक यू। भाई पांडे जी एक बात है, अब आप भी अपनी नसबंदी कराई लीजिए। मैंने तो कब के करवा रखी है। क्या बीबी के नहीं हुई ना? अच्छा कभी। एक्सक्यूज मी क्या है जी? ये शुक्ला जी ने कहा था जाने के लिए, उनका आज कब आता है? एक्सक्यूज मी जी, शुक्ला जी आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो छुट्टी पे हैं। क्यों? नसबंदी कराने गए। यही तो, कल उनके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी ना, 5 लाख कैश, 7 लाख के जेवर और 6 बच्चे पकड़े गए। तो जो आदमी परिवार नियोजन सिखाता है उसी के घर में 6 बच्चे, ऊपर से ऑर्डर आया पहले अपनी नसबंदी करो बाद में औरों की कराना। नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? आप कल आना। अरे कब तक कल कल करते रहेंगे? 4 दिनों से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, बाहर लिख के रखा हुआ है 1 घंटे में बच्चा पैदा होने का ऑपरेशन हो जाता है, 1.5 घंटे में बच्चा ना पैदा होने का ऑपरेशन हो जाता है। अरे भाई 4 दिन में वो 1 घंटा कब आएगा? टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? आपका 1 घंटा कितने दिन का होता है? देखिए बहस मत कीजिए, ये सरकार घंटा है, दिन के साल का भी हो सकता है, समझे? ऊपर से फुफट करना। अच्छा ठीक है मैं आपके बड़े साहब से मिलूंगा। किससे? पटेल साहब से? हाँ जी। वो भी नहीं आए। और कब आएंगे? 1 घंटे में। अब वो 1 घंटा कब होगा? पटेल साहब के साथ ही आएगा वो 1 घंटा। हैं जी? हाँ टाइम तो लगता ही है, पर आप चिंता मत कीजिए मैं आपका काम कर दूंगा। प्लीज कर दीजिए, मैं आपको दावत दूंगा। यू मीन पार्टी? जी हाँ। थैंक सो मच, पहला आदमी देखा जो नसबंदी कराने के लिए पार्टी दे रहा है। नसबंदी कौन करा रहा है? आप करा रहे हैं ना नसबंदी अपनी बीवी की। क्या दिमाग ठीक है आपका? 5 साल से यहाँ पे बच्चा नहीं हुआ है, वैसे ही बंदी चल रही है, ऊपर से नसबंदी कराऊंगा मैं? क्या? हाँ। तो आप नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए नहीं आए? जी नहीं, नस खुली का ऑपरेशन कराने के लिए आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा वो आप पता चल गया, एनीवे पता चल गया है तो चलो फटाफट करा लेते हैं। तो ठीक है, इस ऑपरेशन के बाद मेरे घर पे खुशियाँ गूंजेंगी ना? हाँ डोंट वरी, जरूर खुशियाँ ही खुशियाँ गूंजेंगी। मेरी बीवी माँ बनेगी ना? अरे मैंने कईयों को माँ बना दिया है, आपकी बीवी को भी बना दूंगा मैं। है जी? हाँ चिंता मत कीजिए भाई, मुझ पर भरोसा रखिए, आइए। कहाँ ले जा रहे हैं आप इन्हें? ऑपरेशन थिएटर में। नहीं तो मैं भी साथ चलता हूँ। क्यों भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन देखिए भाई साहब डॉक्टर पर भरोसा रखिए, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आप अपनी बीवी को मेरे साथ अंदर भेजेंगे या तो बाहर रखेंगे। बाहर रखना है तो रखो भाई, हमें क्या, अंदर भेजा तो 2 बातें होंगी, या तो ये माँ बन सकेगी या तो नहीं बन सकेगी। मेरे ऑपरेशन थिएटर में माँ नहीं बन सकेगी, ऐसा होता नहीं है, और बन सकी तो 2 बातें होंगी, या तो आप इन्हें अपने पास रखेंगे या तो इन्हें निकाल कर दूसरी शादी करेंगे। अपने पास रखा ऐसा मुझे लगता नहीं, और इन्हें निकाल कर दूसरी शादी की तो भाई फिर डरते क्यों हो? इन्हें निकालना ही है तो जाने दो ना मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर। डोंट वरी, ओके ओके ओके, ऑल द बेस्ट रूबी। ओके आप मिठाई बिठाई की तैयारियां कीजिए। तो मतलब ऑपरेशन के बाद बच्चा पैदा हो जाएगा ना? हाँ होना तो चाहिए। और अगर ना हुआ तो? तो आपका करा देंगे। आई वाज जस्ट जोकिंग। आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, आप मेरे साथ आइए। ओके ऑल द बेस्ट रूबी। दर्द होगा? बस थोड़ा सा होगा, जैसे चींटी काटती है ना, उई है ना डॉक्टर साहब? नहीं चींटी नहीं, चीटा। क्या? आइए। कुछ नहीं होगा, बस जैसे चींटी काटती है ना इतने दर्द होगा। हाँ बैठो मैडम, इनकी भी करानी है। कहाँ से लाए? अरे बड़ी मुश्किल से मिला है, पता नहीं ये कोटा कब पूरा होगा। जाता हूँ मैं। मुसद्दीलाल जी मिठाई लेके आए हैं? जी हाँ, बस मेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। अरे लाओ ना तो खिलाओ। नहीं नहीं वो तो बीवी का ऑपरेशन चल रहा है ना अंदर, वो हो जाएगा उसके बाद। अरे ऑपरेशन तो हो ही जाएगा, पहला आदमी देख।